कोरोना वायरस के संक्रमण से शहरवासियों को बचाने के लिए कोटा जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मियों की बदौलत अभी तक कोटा में कोरोना अपनी जड़ें नहीं जमा पाया। ऐसे में मंत्री शांति धारीवाल ने डीआईजी रविदत्त गौड़, जिला कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना के परिवारजनों से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की और सभी परिजनों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि आपके सहयोग की वजह से ही अधिकारी कोरोना की महामारी के खिलाफ अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर पा रहे हैं। कोटा के अंदर जिस तरह से अभी आजकल सभी लोग कोरोना इन्फेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो कोटा में अभी तक एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। ये बहुत ही अच्छी बात है पूरे कोटा शहर के लिए। और इसके अंदर डॉक्टर सरदाना काम कर रहे हैं एज प्रिंसिपल, और उनकी पूरी टीम उनकी पूरा सपोर्ट कर रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एवरीबडी इज सपोर्टिंग एंड बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। उन सभी के इकट्ठे एफर्ट्स के साथ हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और उम्मीद है आगे भी ऐसे ही रहेगा। इवन जनता का भी बहुत सपोर्ट है, वो लोग सब अंदर रह रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं जो भी गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं गवर्नमेंट।